एग्जामिनेशन जो 2022 की वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली आपकी दिवाली अच्छी मनी होगी और उम्मीद करता हूँ कि सबने अच्छे से दिवाली का सेलिब्रेशन मना लिया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए फिर एक नई वैकेंसी की न्यूज, जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार था, एसएससी जीडी की भर्ती सीएपीएफ में, साथ ही असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एग्जामिनेशन जो 2022 की वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वैकेंसियां निकल चुकी हैं, वैकेंसियों की डिटेल किस प्रकार से है वो मैं आगे बताऊंगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो 27 तारीख से 31/11/2022 तक, 27/10/2022 से 30/11/2022 तक इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करने की तिथि है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30/11/2022 और ऑफलाइन चालान भी क्रिएट करने का टाइम है 30/11/2022 और मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1/12/2022 तक आप कर सकते हो, और आपके जो बैंकिंग आवर्स है उसके दौरान 1/12/2022 तक आप ये अपने जो ऑनलाइन चालान फीड करने हैं वो कर सकते हो, ठीक है। आपका शेड्यूल बेस कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन जो होगा जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के संतुलन को बनाते हुए लिंगानुपात का बहुत ध्यान रखा गया, तो वैकेंसियां महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने निकाली है, ठीक है। एसएससी बेस्ड वैकेंसियां जो है एमएचए ने निकाली है उसके बारे में ये आपको वीडियो है। तो वैकेंसियों की जानकारी अगर मैं बताऊं तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी में भी ये वैकेंसियां निकली हैं, जिसमें बीएसएफ की है टोटल 8,922 पुरुषों के लिए और 10,497 महिलाओं के लिए, और सीआईएसएफ में 90 वैकेंसियां निकली हैं पुरुषों के लिए और 100 वैकेंसियां महिलाओं के लिए। सीआरपीएफ में 8,380 वैकेंसियां निकली हैं पुरुषों के लिए और 8,911 महिलाओं के लिए। तो ये एक संतुलन बनाते हुए इन्होंने इस तरह से टोटल, मतलब कि वैकेंसियां जो हैं टोटल आपकी लगभग 24,205 वैकेंसियां टोटल निकाली हैं इन्होंने, और साथ ही एनसीबी में 164 वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो टोटल 24,369 वैकेंसियां 24369 वैकेंसियां निकली हैं, इनके लिए आप अपनी तैयारी करें बढ़िया से, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया है, जनवरी 2023 में होगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन भी अगर देना चाहते हैं तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात में अगर अनरिजर्व वाले हैं तो उनको 5 साल की छूट दी गई है इसमें, ठीक है। तो विक्टिम ऑफ डिपेंडेंट 8 साल की, चिल्ड्रन जो राइट उसमें गुजरात वगैरह ओबीसी वाले हैं उनके लिए 8 साल की, और एससी एसटी के लिए 10 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ये डीओपीटी की वेबसाइट पर आप जाके दे सकते हैं, साथ ही इसका जो फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है और लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें बढ़िया से, होपफुली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। टेस्ट में क्या क्या आएगा वो इस तरह से मैं अभी आपको बता दूं, अगर इनकेस आप पर एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे बोनस के रूप में, बी गए तो 3% और ए है तो 2%, ठीक है। ये है आपको ऑनलाइन ssc.nic.in की साइट पर जाकर आप ये चीजें देख सकते हो, 30/11/2022 11 बजे तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की तिथि है। 100 रुपये फीस है इसकी, ठीक है, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं एग्जम्पशन दिया गया है पेमेंट के लिए। भी जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड है, एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड है, वो भी आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, ठीक है,
उत्तर प्रदेश बिहार के लिए अलग रीजन दिया हुआ, अंडमान निकोबार झारखंड उड़ीसा सिक्किम वेस्ट बंगाल के लिए अलग, लक्षद्वीप कर्नाटक एंड केरल सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर के कोड भी दिए हुए हैं साथ में, उनको आप देखकर ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, टोटल मतलब कि आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20, मैक्सिमम मार्किंग होगी 40, तो आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी के 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के, टोटल 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा ये टेस्ट। ऑब्जेक्टिव 24 टाइप होंगे आपके। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्किंग नेगेटिव दी गई है इसमें, अगर आप गलत नेगेटिव मार्किंग है भाइयों अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, बाकी आगे की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, अभी आप फिलहाल तैयारी करें अच्छे से, होपफुली ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से आपको फिजिकली अपना उसकी तैयारी करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।